हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। इससे पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं, इससे पहले जो हमने मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ उस चीज के बारे में, ताकि आपको रिकॉल हो जाए, उससे आप रिलेट कर सको। तो हमने क्या पढ़ा था पहले कि जो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में किस तरीके से होता है, यानी ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से होता है। मेनली हमारा ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, जो हमारी किडनी है वो किस तरीके से वर्क करती है, हमारा फूड है, हम फूड लेते हैं, एयर भी लेते हैं, ब्लड भी लेते हैं, हमारा ब्लड जो ये सारी चीजें हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। तो ये किस तरीके से प्योरीफाई होता है, कुछ हमारा जो अनवांटेड मटेरियल होता है, या हम कह सकते हैं कि जो पॉइजनस सब्स्टेंस एक्सक्रीटरी और जो प्रोडक्ट है, जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारा किस तरीके से हमारी बॉडी से थ्रू आउट होता है, तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट हो किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से उनका प्रोसीजर है, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं या फिर अपने किस तरीके से अपना वर्क करते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले। ओके लेट्स गो। ट्रांसपोर्ट इन फूड प्लांट्स। तो एक्चुअली जैसे एनिमल्स होते हैं उसी तरीके से प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं कि वो अपना भोजन बनाते हैं। सबसे पहले जो प्लांट्स होते हैं वाटर लेते हैं सोइल से, ठीक है, और वो कहाँ तक पहुंचाते हैं उसको, लीव्स तक। तो वाटर लिया कहाँ से, सोइल से, तो इसका भी क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हुआ। और जो वाटर लिया सॉइल से वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, वो कहाँ हो गया, लीव्स के पास। और लीव्स ने क्या काम किया, अपना फूड बनाया, कौन से प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इन्हें भी जरूरत पड़ती है अपने ट्रांसपोर्ट। तो एक्चुअली सबसे पहले अगर हम बात करें, प्लांट्स नीड्स ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम फर्स्ट किसके लिए, टू कैरी वाटर, वाटर ले जाने के लिए, पानी ले जाने के लिए, ठीक है। एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब बाय द रूट्स द सोयल अप टू लीव्स। जो जड़ें होती हैं मिट्टी में, उससे कहाँ तक ले जाती हैं, पत्तियों तक, किसको, पानी। सेकंड चीज, टू कैरी द फूड मेड इन द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो फूड बनाया किसने, लीव्स ने बनाया, उसको पूरी बॉडी के साथ क्या करना, पहुंचाना, ये काम होते हैं हमारे किसके, प्लांट्स के। तो ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स कंटेन होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, या फिर इनको हम बोल सकते हैं वैसा जो वेसल्स होती हैं, वो उनका काम क्या है, चाहे ट्यूब हो गए चाहे वेसल्स हो गए, इनका काम क्या है एक्चुअली, प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम,
दो चीजें प्रेजेंट हैं, या तो जाइलम होगा या फ्लोएम होगा। इन दोनों के थ्रू ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क्स। ओके, तो जाइलम है हमारे पास, दूसरे क्या है, फ्लोएम है। इन दोनों के थ्रू तो वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशंस होते हैं, उन सॉल्यूशन को काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है और इनको ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो हमारी जो पूरा प्लांट है उसमें रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, तो इन सब में जो एक तरीके से वर्क करता है वो सब किस कौन करता है, आपका जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो द वैस्कुलर टिश्यू कॉल द वैस्कुलर टिश्यू, कॉल्ड जाइलम। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसका काम क्या है, कैरी कैरीज वाटर, क्या ले जाना, पानी को लेके जाना। ठीक है, कहां से, रूट से, कहां तक, स्टेम के थ्रू होते हुए कहां तक, अप टू लीव्स तक, इसका काम हमारे पास जाइलम। ठीक है, तो दूसरा काम क्या है, जो फ्लोएम होता है, ये तो है जाइलम का काम, ये किसका है, जाइलम का काम। फ्लोएम का क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, लीव्स में जो खाना बना, लीव्स में जो फूड बना, उस फूड को पूरी बॉडी यानी पूरे प्लांट्स में, ऑल प्लांट्स में क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये काम किसका है, फ्लोएम का काम। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों का काम सिर्फ क्या है, कि जाइलम का हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास वाटर है रूट्स में, ठीक है, यानी सोइल में, उसको कहां तक ले जाना, लीव्स तक ले जाना, और यहाँ पे जो लीव्स हैं वो खाना बनाती हैं, और खाने को वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, फ्लोएम का काम। ओके, तो ये है पूरा प्रोसेस, एंड इसके थ्रू हुई जाइलम व फ्लोएम ये काम इजीली करती। एक होता है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है, इवैपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, ट्रांसपिरेशन इवैपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, लीव्स से क्या करना, वाटर को, ये काम किसके हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ट्रांसपिरेशन। और इसी के थ्रू अगर मैं बात करूं जो लीव्स में क्या प्रेजेंट फूल बनाते हैं, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, मैंने पहले ही बताया आपको क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो हमारे लीव्स होते हैं उन सारे लीव्स पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, जो टाइनी पोर्स होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, और उसी के थ्रू क्या बनाता है, फूड अपना, भोजन बनाते हैं, जो CO2 एंड O2 है, इन दोनों का एब्जॉर्ब करना एंड रिलीज करना का काम किसका है, स्टोमेटा का काम। ठीक है, और जो हमारा कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा था कि कई बार पत्तियों पे या पत्तों पे क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है गटेशन, यानी जब हमारे पास जो जो लीव्स हैं उसके स्टोमेटा के थ्रू पानी निकल रहा है बाहर, तो उसको प्रोसेस को बोला जाता है गटेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके से मूवमेंट होता है जाइलम में, फ्लोएम में, और इनका एक तरीके से मैं आपको दिखा दूं डायग्राम के थ्रू ये प्रोसीजर है, क्या है हमारे पास, डायग्राम टू शो हाउ वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स एयर फ्रॉम द सॉइल। सोइल्स में क्या प्रेजेंट है, यहाँ मान लो सोइल पार्टिकल, ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट है,
सोयल पार्टिकल्स से और वाटर प्रेजेंट है ना, तो ये क्या है, रूट सेल से, ये क्या है, मेन स्टेम, ठीक है, जो मेन जो होती है वो स्टेम है उसकी, ये रूट से, रूट सेल्स, तो इसने क्या किया, यहाँ से पानी लिया, ठीक है, पानी किसके थ्रू जाएगा आपका, जाइलम के थ्रू, ठीक है, जाइलम के थ्रू कहाँ तक पहुंच गया, आपके लीव्स तक, फ्लेम के थ्रू जो फूड बना वापस कहाँ गया, यहाँ तक इनको एनर्जी प्रोवाइड कर, तो ये सिस्टम होता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर होता रहता है, और यहाँ मेन जो स्टेम होता है उसमें आ जाता है, ठीक है, रूट से कहाँ तक पहुंच गया स्टेम, और स्टेम से कहाँ पहुंचेगा, लीव्स तक, तो ये सिस्टम है कि किस तरीके से जो आपका भोजन है वो प्लांट से उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो गाइस